पिछले 100 सालों से टूथपेस्ट के नाम पर जहरीले केमिकल्स से लोग अपने दांतों पर अत्याचार कर रहे थे। हमने हजारों वर्षों की साइंटिफिक आयुर्वेद की परंपरा व रिसर्च के आधार पर नीम, बबूल, तुमरू, अकरकरा, इमलोंग आदि जड़ी बूटियों से दंत कांति नेचुरल, दंत कांति एडवांस एवं सेंसिटिविटी के लिए दंत कांति मेडिकेटेड बनाया, जो दे आपके दांतों को लंबी उम्र का वरदान और दांतों व मसौढ़ों की समस्याओं का पूर्ण समाधान। ज्ञान वापी मस्जिद में आज जुमे की नमाज के लिए नमाजियों की उमड़ी भीड़। प्रशासन ने इंतजामिया कमेटी से जुमे के दिन शांतिपूर्वक नमाज अदा कराने में की सहयोग की अपील। ज्ञान वापी में शिवलिंग के दावे के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सर्वे रिपोर्ट में हिंदू पक्ष ने जवाब में कहा पूरी संपत्ति भगवान की। गुरुवार को सर्वे रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी गयी थी। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में टली सुनवाई। अब सभी याचिकाओं पर छुट्टियों के बाद 6 जुलाई को सुनवाई करेगा कोर्ट। पेगासस स्पाईवेयर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट की तरफ से गठित समिति को जांच पूरी करने और रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 20 जून तक का दिया गया वक्त। सपा विधायक आजम खान जेल से हुए रिहा। आजम की रिहाई पर अखिलेश ने जताई खुशी। ट्वीट करके योगी सरकार पर साधा निशाना, लिखा झूठ के लम्हे होते हैं सदियां नहीं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने 5 जून को होने वाली अपनी अयोध्या यात्रा की स्थगित। 22 मई की पुणे रैली में बताएंगे यात्रा स्थगित करने की वजह। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की फिर बड़ी मुश्किलें। सीबीआई ने लालू यादव के 17 ठिकानों पर की छापेमारी। विरोध में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के चिंतन शिविर पर कसा तंज। ट्वीट करके कहा गुजरात और हिमाचल प्रदेश में दुर्दशा का इंतजार, कोई सुधार नहीं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी का संबोधन। कहा भाजपा की 18 राज्यों में सरकार, 400 सांसद और 1300 विधायक, पर सफर अभी बाकी है। नवजोत सिंह सिद्धू का जेल जाना तय। चीफ जस्टिस का कांग्रेस नेता को राहत देने से इनकार। सिद्धू आज सरेंडर करेंगे, नहीं तो पुलिस को करनी पड़ेगी उनके खिलाफ कार्रवाई।